गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण बाळको। आज आप अंग्रेजी विषय भणवाना छे। तो अंग्रेजी विषय में आप अगाउ एम फॉर मंकी अने एन फॉर नेस्ट लगता सीख्या था। हवे आज आप जोईए सौथी पहला नीचे आपेला अंग्रेजी अंकों में रंग पूरो। तो सौथी पहला कयो नंबर आप्यो छे? सिक्स नंबर। तो सौथी पहला आपणे सिक्स नंबर नी अंदर रंग पूरीए। तमे पण तमारी बुक में सरस मजाना रंग पूरजो। सिक्स माथी सहेज पण बार रंग जवो जोईए नहीं। आ रीते रंग पूरवाना छे। हवे आ सिक्स नंबर में रंग पूर्यो। हवे आपणे पूरीए सेवन नंबर में। આપણે અંગ્રેજી અંકમાં રંગ પૂર્યા। હવે જોઈએ નીચેના અંગ્રેજી મૂળાક્ષરો ઓળખો, વાંચો અને લખો। તો સૌથી પહેલાં આ કયો મૂળાક્ષર છે? એલ ફોર લેમ્પ। લેમ્પ એટલે લેમ્પ। તો અહીંયા લખીએ એલ ફોર લેમ્પ કેવી રીતે લખવાનું? ઊભી લીટી આડી લીટી, એલ ફોર લેમ્પ। ફરી અહીંયા લખીએ ઊભી લીટી આડી લીટી, L for lamp। ઊભી લીટી આડી લીટી, L for lamp। ઊભી લીટી આડી લીટી, L for lamp। હવે જોઈએ આ કયો મૂળાક્ષર છે? M for monkey। મંકી એટલે વાંદરો। તો આપણે M for monkey નોટમાં લખતા શીખી ગયા છીએ। તો કેવી રીતે લખવાનું? પહેલાં અહીંયાથી ઊભી લીટી, ત્રાંસી લીટી, બીજી ત્રાંસી લીટી, ઊભી લીટી। એમ ફોર મંકી, મંકી એટલે વાંદરો। ફરી આખા નામાં લખીએ ઊભી લીટી, ત્રાંસી લીટી, ત્રાંસી લીટી, ઊભી લીટી। એમ ફોર મંકી, મંકી એટલે વાંદરો। ફરી અહીંયા કરીએ ઊભી લીટી, ત્રાંસી લીટી, ત્રાંસી લીટી, ઊભી લીટી। એમ ફોર મંકી, મંકી એટલે વાંદરો। ઊભી લીટી, ત્રાંસી લીટી, ત્રાંસી લીટી, ઊભી લીટી। એમ ફોર મંકી, મંકી એટલે વાંદરો। ઊભી લીટી, ત્રાંસી લીટી, ત્રાંસી લીટી, ઊભી લીટી। એમ ફોર મંકી, મંકી એટલે વાંદરો। પછી આ કયો મૂળાક્ષર છે? એન ફોર નોઝ। નોઝ એટલે નાક। તો લખીએ અહીંયા ઊભી લીટી, ત્રાંસી લીટી, ઊભી લીટી। એન ફોર નોઝ, ઊભી લીટી, ત્રાંસી લીટી, ઊભી લીટી। એન ફોર નોઝ, નોઝ એટલે નાક। ઊભી લીટી, ત્રાંસી લીટી, ઊભી લીટી। એન ફોર નોઝ, નોઝ એટલે નાક। ઊભી લીટી, ત્રાંસી લીટી, ઊભી લીટી। એન ફોર નોઝ, નોઝ એટલે નાક। ઊભી લીટી, ત્રાંસી લીટી, ઊભી લીટી। તો એન ફોર નોઝ। તો આપણે આજે કયા કયા મૂળાક્ષર લખ્યા? એલ ફોર લેમ્પ, લેમ્પ એટલે લેમ્પ। એમ ફોર મંકી, મંકી એટલે વાંદરો। એન ફોર નોઝ, નોઝ એટલે નાક। હવે આપણે જોઈએ નીચે આપેલા મૂળાક્ષરને યોગ્ય મૂળાક્ષર સાથે જોડો। તો ઉદાહરણમાં એલ ફોર લેમ્પને આ લાઇનમાં એલ ફોર લેમ્પ સાથે જોડેલું છે। તો હવે બીજો કયો મૂળાક્ષર આપ્યો છે? એમ ફોર મંકી। તો આ લાઇનમાં એમ ફોર મંકી ક્યાં છે?
तो आ तो एन फॉर नेस्ट है, आ जोड़ेलो है, आ रो एम फॉर मंकी, तो आ एम फॉर मंकी ने अँ जोड़ी दी। पची है एन फॉर नेस्ट, तो एन फॉर नेस्ट क्या है पहली लाइन में, तो एने एनी साथे जोड़ी दी। हवे आ बाजू जो है एम फॉर मंकी आ लाइन में क्या है, तो आ तो आई फॉर आइसक्रीम है, एन फॉर नोज, आ रो एम फॉर मंकी, तो एने एम फॉर मंकी साथ जोड़ी दी। पी आई फॉर आइसक्रीम क्या है आ लाइन में, आ रो एनी साथे जोड़ी दी। पची है एन फॉर नेस्ट, तो एन फॉर नेस्ट क्या है, आ रो, तो एनी साथे जोड़ी दे। तो आ रीते मूड़ाक्षर ने एना जेवा मूड़ाक्षर साथ जोड़वाना है। हवे जो ये चौरस में आपेला अंग्रेजी अंकों शोधी गोल करो, तो सौथी पहला चौरस में क्यों मूड़ाक्षर आप्यो छे, एम, तो एम फॉर मंकी अपने आ लाइन में शोधवानो छे। तो आ छे के फॉर काइट, पछी आ छे एम फॉर मंकी, तो एना जो एम फॉर मंकी आवी गयो तो एना फरते गोल करिए। पछी छे जे फॉर जग, तो शोधीए जे फॉर जग, तो आ तो के फॉर काइट हतु, आ छे एच फॉर हेन, आ छे एल फॉर लैम्प, आ रो जे फॉर जग, तो जे फॉर जग ने ऊपर गोल करीशुं। पछी छे डी फॉर डॉग, तो आ लाइन में हवे आपणे डी फॉर डॉग शोधीए, तो आ छे ई फॉर एलिफंट, आ छे जे फॉर जग, आ छे डी फॉर बॉल, आ छे एल फॉर लैम्प, एच फॉर हेन, आ रो डी फॉर डॉग, तो डी आना जो डी फॉर डॉग आवी गयो एना फरते गोल करी दईए। पछी छे एल फॉर लैम्प, तो एल फॉर लैम्प शोधीए, तो आ तो ई फॉर एलिफंट छे, आ जे फॉर जग छे, आ बी फॉर बॉल छे, तो आ एल फॉर लैम्प आवी गयो एना जेवो, एना फरते गोल करिए। पछी आ लाइन में जोईए कयो मूळाक्षर आप्यो छे, एन फॉर नोज, तो एन फॉर नोज आ लाइन में क्या है, तो जोईए एन फॉर नोज आ रो पहेलो ज आवी गयो एना जेवो, तो एना फरते गोल करिए। पछी छे ई फॉर एलिफंट, तो आ तो सी फॉर कैट आप्यु छे, आ रो ई फॉर एलिफंट, तो आवी गयो एना जेवो मूळाक्षर, तो एना फरते गोल करिए। तो आजे आपणे शुं शुं शीख्या बाळको, एल फॉर लैम्प, एम फॉर मंकी अने एन फॉर नोज लखता शीख्या। पछी जो योग्य मूळाक्षर ने एना जेवा मूळाक्षर साथे जोड्या अने चौरस में आपेला अंग्रेजी अंकों शोधी गोल शीख्या। तो आटलू तमारे आजे घरे प्रेक्टिस करवानी छे।